हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, देयर आर सम सेंटेंसेस गिवेन एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ये कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, और इसी के बेस पर आज जो है हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि उसको ऑब्जेक्ट ले लीजिए प्लस इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विल बी यूज्ड वी थ्री एंड सब्जेक्ट। दिस स्ट्रक्चर यू नीड टू फॉलो व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपको बदलना होगा तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा। ओके, तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने वॉइस अगर नहीं पढ़ा है तो पिछला जो वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वॉइस के सारे वीडियोज़ मैं डाल चुका हूँ पहले ही, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, और आइए अब हम लोग इसको प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। पहला है ही हेल्प्स मी। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पैसिव में एक्टिव में अगर मी होता है तो मी चेंजेस टू आई, मी आई में बदल जाता है। तो यहाँ आई, आई के अनुसार कौन सा वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम वी थ्री हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड बाई, यहाँ एक बाई भी कर लीजिए, वी थ्री के पास बाई प्लस सब्जेक्ट, आई एम हेल्प्ड बाई ही चेंजेस टू हिम, तो ये हिम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके उसको आप देखिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आई हेल्प यू, यू रिमेन सेम, You are helped by I है, तो I किस में बदल जाता है, me में, by me। okay, next she teaches you, you remain same again, you are teach का क्या होगा, taught, teach becomes taught in past participle form of the verb, you are taught by, she changes to her, her में बदल जाएगा, you are taught by her। okay, next we respect him, him है इधर तो ये किस चीज में बदल जाएगा, he में, he is respected बाई वी है तो ये हो जाएगा अस। ठीक है, प्रोनाउन अगर होगा तो इस तरह से बदला जाएगा। नेक्स्ट पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, इसको इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी, तो हम लोग हिंदी से शुरू करेंगे न कि बिहार से। हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, एक स्पेशल रूल भी मैंने इसमें बताया था, यहाँ पर हम लोगों ने पीपल को ऐड नहीं किया है। क्यों, क्योंकि मैंने एक स्पेशल रूल बताया था कि अगर सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है तो हमें पैसिव वॉइस में उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू मेंशन द सब्जेक्ट व्हेन इट डज़ नॉट मैटर, व्हेन इट डज़ नॉट मैटर अ लॉट। ठीक है, नेक्स्ट इज वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, हेयर गुड न्यूज़ इज द ऑब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक्टिव से अगर पैसिव में बदलना है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये तीन चीज़ अगर आप पहचान जाते हैं तो
तो आप डेफिनेटली इसको आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ गुड न्यूज़ है, इसका हो जाएगा गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। अब न्यूज़ ये दिख तो रहा है प्लूरल, बट इट इज़ अ सिंगुलर नाउन, इसको सिंगुलर नाउन कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बाय अस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, इसको इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अब हम लोग इसको आगे बनाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब कोई सेंटेंस होता है तो उसको पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को ही पहले ले लीजिए। ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वी फोर और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा व्हेन अ सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो ऐसे फॉलो करेंगे। जैसे पहला है आई एम ईटिंग अ मैंगो, इसको ऊपर ही बनाते हैं। अ मैंगो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। अ मैंगो इज बीइंग और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग भी लगाना है। इज बीइंग ईटिंग है यहाँ तो ये हो जाएगा ईटन बाय मी, आई चेंजेस टू मी। नेक्स्ट इज दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, तो यहाँ पर सॉन्ग्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मार्क करते जाइए आप लोग और इसको सीखिए। सॉन्ग्स आर बीइंग सिंगिंग है तो सिंग का क्या हो जाता है संग, आर बीइंग संग बाय देम, दे चेंजेस टू देम। ओके, नेक्स्ट दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, रिपेयरिंग यहाँ ऑब्जेक्ट है, सॉरी द ब्रिज ऑब्जेक्ट है तो द ब्रिज से शुरू करेंगे। द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय दे है तो दे फिर से देम में बाय देम। ओके, नेक्स्ट ही इज हेल्पिंग हिज मदर, हेयर हिज मदर इज द ऑब्जेक्ट तो हिज मदर से शुरू करेंगे। हिज मदर इज बीइंग हेल्प है तो हेल्प्ड, इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, ओके,
Next, they are discussing the matter. Here the matter is the object. The matter is being discussing है, तो discussing का क्या होगा? Discussed. Is being discussed by them. Okay? Next. They are helping you. You is the object. You are being helped by them. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इस एक्सरसाइज को आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे. अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट बार जब भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफिकेशन मिल सके. ठीक है? तो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये सब सारी चीज़ें सीखने का मौका मिले. ठीक है प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे.